हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को, पाइए चैनल से जुड़े लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपी पुलिस की, यूपी लेखपाल की या फिर रेलवे ग्रुप डी की, तो आपसे निवेदन है नीचे एक लाल बटन बना होगा जिसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर ये सारी तैयारी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लगातार अच्छी से अच्छी और बेहतर कराई जाएंगी। तो दोस्तों, सिपाही भर्ती के लिए एक बड़ी खबर ये है कि इस बार 28,46,000 लोगों ने भरा है फॉर्म। तो ये बड़ी खबर है, आइए पूरी जानकारी लेते हैं। बैंकों से नहीं मिला फीस जमा होने का फाइनल डाटा, सोमवार तक पता चलेगी अंतिम संख्या। फुल डिटेल लेते हैं। प्रदेश में सिपाही भर्ती के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है। रजिस्ट्रेशन के लिए 22 फरवरी को अंतिम दिन तक 28,46,000 अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नत बोर्ड के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया था। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों की माने तो बोर्ड के 10 वर्ष के इतिहास में सबसे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पंजीकरण की तिथि तक 28,46,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, इसमें 22,48,000 लोगों ने फीस भी जमा कर दी है। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी तय की गई थी। 23 फरवरी को कितने लोगों ने फीस जमा की है इसका विवरण सोमवार को या मंगलवार तक मिल सकेगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि इस बार अभ्यर्थियों ने बहुत दिलचस्पी दिखाई है और बड़ी संख्या में लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। हालांकि फीस जमा करने वाले विद्यार्थी 23 लाख ही हैं, लेकिन अभी इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला है, वो सोमवार तक मिल जाएगा। हम आपको फिर से सूचित करेंगे कि इतनी बड़ी भर्ती पिछले 10 सालों में कभी नहीं हुई है। तो आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, लगातार हमारे चैनल से, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिए, जहां आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।